तो आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश कुमार सोनी और हमारे ये स्टूडेंट हैं और हमने आज इनको सीम सेक्शन के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। तो सीम सेक्शन का आज सारा डिटेलिंग होगी। सीम सेक्शन में एक फॉल्ट भी है जो कि इन्होंने एक सेट लेके आया हुआ है, अपना एक सेट है जो कि उसमें सीम डिटेक ही नहीं हो रही है। अब वो क्यों नहीं हो रही है पूरी लाइव हम देखेंगे और पूरी लास्ट तक देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम था, क्या था क्या नहीं था, और पूरी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो ठीक है, पहले अपना नाम बताओ, कहाँ से हो? मेरा नाम विजेंद्र है, मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। तो क्या दिक्कत है आपके फॉल्ट जो आपके हाथ में सेट है? हमारे पास एक एम आई का सेट है जो कि नो सिम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? नो सिम कार्ड लिखा हुआ, नो सिम कार्ड आ रहा है। तो ये भी हो सकता है आपने सिम ना लगाई हो, तो पीछे सिम भी दिखा दो। बार दिखा देते हैं, देखिए हमारा सिम कार्ड लगा हुआ है। अच्छा चलिए, सिम भी लगा हुआ है फिर भी हमारा क्या आ रहा है? नो सिम। आपकी कितने पिन होती सिम में? 6-8। तो आपकी सारी पिनों के नाम पता है? GND और ये कोड वर्ड है जो कि आपको पता है। क्या पता है? GND और चलो ठीक है। अब आप पूरा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसमें पूरी शुरू से बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और पूरा सॉर्ट आउट कौन कर रहा है? स्टूडेंट ही कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन कौन दे रहा है? चलिए करिए। तो सर उसके लिए हम ये पहले अपना ऑफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, सिम को भी निकाल लो। अब सभी पिनों पे क्या चेक करना है? सब पे। और कितने पिन पे वोल्टेज आती है बताओ? एक पिन पे आती है। वो वोल्टेज वाली पिन को कौन क्या बोलते हैं? वेरी गुड। चलो अब हम क्या चेक करेंगे, पहले तो ये बता दो कि कितने पिन का है। तो आप माइक्रोस्कोप में उसको सेट कर लीजिए, मैं ऊपर दिखाता हूँ। आप माइक्रोस्कोप में सेट कर लो। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो सर हमारे पास देखिए ये आठ आठ पिन का हमारा सिम कनेक्टर है जिसमें कि हमारी दो सिम एनसी। कितने पिन का है ये? तो इसमें दो पिन क्या है? एनसी है। चलिए ठीक है करिए। हम कॉल टेस्टिंग करके सर जानते हैं कि हमारी कौन सी एनसी है, कौन सी हमारी ग्रैंड है, बाकी सारी हम तुम्हें कॉल टेस्टिंग करके बताएंगे। ओके करो। तो ये देखिए सबसे पहले हमें कॉल टेस्टिंग करने के लिए अपना ग्राउंड पता करना होगा। सबसे पहले आपको सीम में क्या ढूंढना है? ठीक है, हम अपना ग्राउंड ढूंढते हैं। देखिए सर हमें अपना ग्राउंड मिल चुका है। तो मतलब सबसे पहले आपको ग्राउंड फाइंड करना था। एक बार और चेक कर लीजिए, क्या पता और भी पीसीबी में ग्राउंड है कि नहीं। करिए देखिए, ये देखिए सर इसके ऊपर ही जस्ट हमारा एनसी मिल गया है। इसके ऊपर क्या होता है एक बार सभी पिनों के नाम बता दीजिए आप। तो ग्राउंड के जस्ट ऊपर एनसी, के जस्ट ऊपर डाटा, के जस्ट सामने क्लॉक, के जस्ट नीचे रिसेट, के जस्ट नीचे। क्लियर हो गया? ठीक, तो हम आपको दोबारा ग्राउंड दिखा देते हैं। ये देखिए हमें हमारा ग्राउंड मिल चुका है। उसके इसमें कितने सर्किट बनती है? कितने सर्किट बनती है? चलो ठीक है, तो सर्किट एक बनती है आपका जो आपको पता है। सारी सर्किट के बारे में आपको नॉलेज है? सीम में कितनी सर्किट बनती है? तीन। ठीक, ये सर हमारा एनसी हो गया, ये हमारा डाटा हो गया, ये हमारा डाटा। एक मल्टीमीटर से भी लेके चलते हैं हम, तो मल्टीमीटर और इसका ट्रिक। हाँ चलो ठीक है, तो हम यहाँ से आप शुरू से चेक करिए। चलो हम शुरू से चेक करा देते हैं। ये सर हमारा ग्राउंड हो चुका है, ग्राउंड में बीप आ रही है, बीप आ गई है। ठीक, उसके अपोजिट ऊपर बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल ऊपर एनसी है हमारा, इस पे कोई रीडिंग नहीं है। कोई रीडिंग नहीं आ रही मतलब एनसी, और अगर रीडिंग आती तो सर ये हमारा सर्किट टू भी हो सकता, सर्किट टू बनता। ठीक है चलिए आगे, हो जाता उस पे हमारी रीडिंग आती। वो किसकी रीडिंग आती? वो सर वीसीम की रीडिंग होती है। ठीक है वेरी गुड, हम उसके ऊपर चेक कर लेते हैं। ये हमारा सर डाटा हो गया, इस पे हमारी रीडिंग आ रही है। डाटा पे हमारी रीडिंग 513 आ रही है। ठीक है, अब डाटा के जस्ट सामने कौन सी पिन होती है? सर हमारी क्लॉक सिम क्लॉक पिन होती है। चेक करिए, इसमें हम चेक कर लेते हैं। हमारे ऊपर एक और भी है, उसको भी चेक कर लेते हैं, उस पर क्या रीडिंग है। देखिए सर इस पे कोई रीडिंग नहीं है, इसका मतलब ये हमारी एनसी है। वेरी गुड, तो चलिए हम उसके अपोजिट चेक कर लेते हैं जरा। ये हमारा ग्राउंड का अपोजिट हो गया। देखिए सर इस पर हमारी रीडिंग आ रही है, ये हमारा बी सिम का हो गया, ये हमारा बी सिम। और वोल्टेज किस में आएगा, डाटा में आएगा कि रिसेट में आएगा, क्लॉक में आएगा? सर ये हमारा बी सिम पर ही आएगा। वेरी गुड, आगे चेक कर लेते हैं।
ये देखिए सर, ये हमारा रीसेट हो गया, इस पे भी हमारे बराबर वैल्यू आ रही है, 475 रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है। अब रीडिंग रीसेट के ऊपर कौन सी पिन होती है? क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक पे चेक करिए। ये देखिए सर, हमारी क्लॉक क्लॉक ओपन है, क्लॉक ओपन है, मतलब हमारी सिम डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही थी? क्लॉक ओपन है, क्योंकि हमारी क्लॉक की लाइन क्या हो चुकी है? अब आप हमारे स्टूडेंट क्लॉक की लाइन पे काम करेंगे, क्लॉक की लाइन पे वो अपना वर्क करेंगे, और वो क्या सोल्यूशन करते हैं वो आप करेंगे। चलिए ठीक है, करिए। अब उस लाइन को क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेस करके फाइंड आउट करेंगे, जो कि आप सामने कर रहे हैं। जी सर, करिए। ठीक है, करिए। तो देखिए, हम क्लॉक लाइन को ट्रेसिंग करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सिम का बाकी आप कर लेंगे? सिम में कोई भी फाइट आई तो आप कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? कितने लोग कर लेंगे, हाथ उठाइए। सभी लोग कर लेंगे। सिम में कोई भी फाइट आती है, हमको सारा ट्रिक पता चल गया है, सारी लाइनों का पता चल गया है, क्लॉक रिसेट, वी सिम कहां से क्या होती है, कहां से वोल्टेज आती है। और अमूमन अगर वोल्टेज नहीं आती तो भी आप बना लेंगे? अगर उसमें वी सिम पे रीडिंग नहीं आई तो आप कहीं से भी बाईपास वोल्टेज दे सकते कि नहीं दे सकते? आपका सिम डिटेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट लाइव उसमें कर रहे हैं, जो भी क्लॉक की लाइन जो भी ओपन हो गई थी, अभी जो भी हो गई थी, जो भी प्रॉब्लम था वो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हम स्किप नहीं कर रहे हैं, ये वही सेट है और हम लाइव ही कर रहे हैं कि इसमें कोई भी स्किप वीडियो नहीं कर रहे हैं, आपके सामने देखते हैं कि वो फोन हमारी सिम काम करती है कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम दूसरा सेट कर दें या फिर उसको स्किप करके वीडियो को पॉज करके कुछ भी कर दें तो हम वीडियो पॉज हो रहा है क्या? नहीं सर। हो गया क्या आपका? हो गया सर, हो गया। अब देखिए कि उसमें क्लॉक पे रीडिंग आ रही है कि नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। अब अगर क्लॉक में रीडिंग आ गई तो किसमें वोल्टेज भी आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये देखिए, ये वोल्टेज आ गई, वोल्टेज। ठीक है, अब सिम लगा के चेक करते हैं कि हमारा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, जो कि तो सिम कार्ड का था। चलिए एकदम बिल्कुल भी लाइव करिए, एकदम सिम लगाइए, सिम लगा लो। सेट को ऑन करिए, इधर देखिए, खड़े हो जाओ। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है बूट करने में, एमआई का सेट है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा फॉल्ट सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी आ गई। एक बार आप बैक करके लगाइए, अब एक बार बैक करके चेक करते हैं, क्या पता उन्होंने उसी सिम पे लगाई कि दूसरे सिम पे तो नहीं लगाई। बैक करिए, करा देते हैं सर। देखिए आपने इसी सिम पे लगाई थी ना, अब फ्रंट फिर से करिए। देखिए इमरजेंसी आ गई, मतलब वो नेटवर्क आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ? अगर इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से जानना है तो क्या करना है बताइए, क्या करना होगा? प्रॉपर नॉलेज लेना है। क्या लेना है? इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।